हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, इन सब के स्टडी आज के लेक्चर में हम करेंगे। आप लोगों को मोल मोल रिलेशनशिप, एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल कैलकुलेट करना आ गया होगा। उसी सिक्वेंस में हम लिमिटिंग रिएजेंट की स्टडी करते हैं। आखिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। एसआर रिएक्टेंट, यस मैंने रिएक्टेंट बोला, मतलब रिएक्टेंट के लिए ये अप्लाई होगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो कंप्लीटली यूज में आ जाता है, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, दो कंपाउंड दिए मैं, दो रिएक्टेंट दिए मैं, तो यहां पर दोनों की क्वांटिटी दी हुई है। तो ऐसा कंपाउंड जो कंप्लीटली यूज में आ जाता है, जिसकी क्वांटिटी कुछ भी नहीं बचती है, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं। जबकि अदर कंपाउंड जिसकी क्वांटिटी कुछ कुछ बचती है, कुछ रिमेनिंग रहती है, उसे हम एक्सेस रिएजेंट करते हैं। तो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहने वाला हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। मतलब प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना। तो पहला तो टास्क ये है कि अगर दो कंपाउंड की क्वांटिटी दी हुई है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो आपको इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में मिनिमम टू कंपाउंड की यानी टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है, उसकी क्वांटिटी दी हुई है, तो ऐसे में हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मतलब पहले चेक करेंगे कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, ठीक है, उसी के बाद में आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। पहला लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मैं ऐसा कहूं, लिमिटिंग रिएजेंट यस कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है बच्चों, एक्सेस रिएजेंट ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन फिनिश होने के बाद में बचा रहता है, तो कंपाउंड्स विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। और मैं ऐसा कह सकता हूं, इसकी क्वांटिटी रिएक्शन फिनिश होने के बाद में कुछ कुछ रिमेनिंग रहती है, एंड इट्स क्वांटिटी रिमेन लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद में इसकी कुछ कुछ क्वांटिटी बची रहेगी। बच्चों यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, टिपिकल रिएक्शन एग्जांपल कौन सी है, AA+BB कन्वर्ट इनटू CC+DB, ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है। इसके अंदर आपको एक मोल्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं, मोल्स की हम बात करेंगे बच्चों। तो ए के मोल दिए हुए NA और यहाँ पर बी के मोल NB दिए हुए। आपको फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो चलो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। ऑलरेडी इसको आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या करोगे। मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आप कैलकुलेट करोगे। मोल्स ए के कितने हैं, NA मोल है, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए से डिवाइड करोगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी। सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, NB डिवाइड बाय बी, हमें ये रखना। बच्चों दोनों वैल्यू अलग अलग रखी, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो नो वन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट,
नो वन विल बी लिमिटिंग एजेंट, मतलब दोनों एक स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो उसमें लिमिटिंग एजेंट नहीं है, या वो वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं करोगे, किसी के भी बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ एन ए, पहले लिख ही देता हूँ, एन ए बाई ए इज इक्वल टू एन बी बाई बी, तो मैं कह सकता हूँ एनी वन कैन बी, एनी वन कैन बी, कैन बी लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पर एल आर हुआ। लेकिन अगर ये वाला केस है, ठीक है बच्चों, अगर सपोज करो कि एन ए बाई ए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और ये वैल्यू कम है, तो जो कम वैल्यू होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ एन ए बाई ए है वो है ग्रेटर, और यहां पर आपका है एन बी बाई बी है वो स्मॉलर है, स्मॉलर जो भी होगा, यानी या लेस ले देता हूँ यहाँ पर लेस, तो जो भी होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब यहाँ पर बी लिमिटिंग एजेंट होगा। इस तरह से हम लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। एक मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन हमने कैलकुलेट किया, जिसके लिए ये वैल्यू कम होगी वही रिएजेंट या वही रिएक्टेंट होगा, वही लिमिटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों मैंने जैसे एन बी बाई बी है इसलिए वैल्यू कम है, तो बी के लिए ये वैल्यू कम है, यानी बी के मोल्स डिवाइड बाई बी कम है, तो मतलब बी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो दूसरा कंपाउंड बचा हुआ जो लार्ज क्वांटिटी में, उसे एक्सेस रिएजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चंस की हेल्प से इनको हम समझेंगे। बच्चों P प्लस क्यू टू क्यू कन्वर्ट इंटू थ्री आर प्लस एस, ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दी। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, P प्लस टू क्यू कन्वर्ट इंटू थ्री आर प्लस एस, ये आपको दी हुई है। मोल्स ऑफ P आपको गिवन है फोर मोल, एंड मोल्स ऑफ क्यू आपको गिवन है सिक्स मोल्स। फाइंड ए लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना, बी एक्सेस रिएजेंट, सी आपको फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ आर कितनी बनती है, यानी आर की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, आपको लिमिटिंग रीजन के बारे में बताना है और एक्सेस रीजन के बारे में बताना है कि कौन सा क्या है। चलो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये तीन यहां पर क्वेश्चन है इसके अंदर ही जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन कौन सी है, पी प्लस टू क्यू कन्वर्ट इंटू थ्री आर प्लस एस, तो पी प्लस टू क्यू कन्वर्ट इंटू थ्री आर प्लस एस, ये आपकी एक रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में आपने देखा कि P का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 है, Q का 2 है, R का 3 एंड S का 1 है, तो हमें तो रिएक्टेंट से मतलब है, यानी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्यूज में लेना। चलो ठीक है, मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये फाइंड आउट करना। तो रखिए बच्चों इसके वैल्यू क्या है, P के मोल कितने हैं, P के मोल है 4 डिवाइड बाय 1, और Q के मोल कितने बच्चों, यहां पर ये P के लिए मैंने रखा और Q के लिए रखूंगा तो क्या होगा, 6 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यहां पर ये इसके मोल 6 है, 6 डिवाइड बाय 2 किया हमने, जब सोल्व किया तो यहां पर ये वैल्यू मिलती है 4 और ये वैल्यू मिलती है 3, 3 वैल्यू लेस है, यानी मैं कहूंगा स्मॉलर है, मैं कहूंगा स्मॉलर वैल्यू है ये, तो इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा बच्चों, यहां पर मैं लिख सकता हूं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी Q तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप सारी के सारी कैलकुलेशन Q के बेसिस पर करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर A पार्ट हो गया आपका, ये
बी की मैं बात करूंगा, बी की क्वांटिटी क्या होगी, एक्सेस में प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है। तो ऐसे में जो बी की जो वैल्यू होगी या जो है बी ऑप्शन के अंदर पी आपका एक्सेस रिएजेंट में के फॉर्म में रहेगा, एक्सेस रिएजेंट कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, एक्सेस रिएजेंट। अब मुझे कैलकुलेट करना है आर की क्वांटिटी, हमेशा कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर किया जाते हैं, क्यों एक्सेस रिएजेंट क्यों नहीं यूज में ले सकते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कंप्लीटली यूज में नहीं आती, तो हमें कैसे पता कि इसकी कितनी क्वांटिटी यूज में है। तो बच्चों इसलिए कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर की जाती है। ओके चलो मैं यहां पर मोल्स ऑफ Q डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ R डिवाइड बाय 3 मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई किया हमने, क्योंकि मोल कितने हैं आप देख सकते हो, क्योंकि मोल यहां पर 6 है और R के मोल कितने बच्चों, R के जो मोल है कैलकुलेट करना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये था आपका ए और ये आपका बी, चलिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं सी ऑप्शन को। यस मोल्स ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू है आपका यार 6 है, 6 डिवाइड बाय आपका 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आर डिवाइड बाय 3 हम यहां पर पुट करेंगे बच्चों, क्योंकि मोल मैंने 6 रख दिए जैसा कि था, ठीक है, मैंने यहां पर ये मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई किया, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए अब अप्लाई करना आ चुका मोल मोल रिलेशनशिप से। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां पर जो होगा क्या वैल्यू होगी, ये 3 यानी मोल्स ऑफ आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 ये वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, तो ए आपका जो उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट पूछा था, क्यू तो लिमिटिंग रिएजेंट था, यहां पर पी एक्सेस रिएजेंट हो गया, एंड आपका सी ऑप्शन के अंदर हमने पूछा था कि आर की क्वांटिटी कितनी है, जो कि हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर ही हम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड होता है, यानी एसिड की जब बेस के साथ में रिएक्शंस कराओगे तो ऐसे में सॉल्ट बनता है, तो क्वेश्चन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, 6 moles of each कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 are taken in a given reaction, रिएक्शन बच्चों यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 यहां पर 3 ये आपका 2 कैल्शियम फॉस्फेट प्लस आपका हो जाएगा बच्चों यहां पर 6H2O ये आपकी रिएक्शन दी गई। क्वेश्चन है यहां पर इसी के अंदर ए आपको फाइंड आउट करना, फाइंड ए है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, बी बच्चों आपका हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट ए और बी तो आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या करें अब हमें फाइंड आउट करना, किसको फाइंड आउट करना, भी यहां पर जो भी एक्सेस रिएजेंट की क्वांटिटी बची हुई है रिमेनिंग क्वांटिटी उसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो सी है रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सेस रिएजेंट, यानी एक्सेस रिएजेंट की रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी रह गई उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलो बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन क्योंकि यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम कि रिएक्शंस लिखेंगे, इन द रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 2 फॉस्फोरिक एसिड कन्वर्ट इनटू 1 कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है बच्चों, प्लस 6H2O ये आपका होगा। अरे यार मेरे को मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल को 3 से डिवाइड करेंगे
ठीक है बच्चों। ओके, किसके लिए? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। और यहाँ पर मोल्स ऑफ H3PO4 डिवाइड बाय हम लिखेंगे कितने यार, इसके मोल्स कितने हैं? 6 मोल है, क्योंकि ईच मोल है यहाँ पे 6, प्रत्येक के 6 मोल है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 6 है एंड फास्फोरिक एसिड भी 6 है। तो रुको यार, हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर आपका होगा 6 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आपका होगा 2 और ये 3। आप रख सकते हो ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब मैं कहूंगा लिमिटिंग रिएजेंट ये वाला टेक्स होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकाल दिया हमने। तो बच्चों यहाँ पर जो है ए पार्ट आपका हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट आपका होगा वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला पॉइंट। बी के मैं बात करता हूँ, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा बच्चों? एक्सेस रिएजेंट है वो आपका फास्फोरिक एसिड, तो मैं यहाँ पर रखूंगा ER, एक्सेस रिएजेंट है वो है फास्फोरिक एसिड, क्योंकि इसकी कुछ कुछ क्वांटिटी बच्चों में रहती है। अब कितनी क्वांटिटी रह गई, तो इसका मतलब वो तो तब हमें पता चलेगा ना जब यूज्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की, इसका मतलब यूज्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। पहले निकालो यार, यूज्ड क्वांटिटी क्या होगी इसकी बच्चों? यहाँ पर यूज्ड क्वांटिटी की मैं बात करूंगा तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पूरा का पूरा यूज में आएगा, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल यूज में हुआ क्योंकि मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर फास्फोरिक एसिड की पूरी क्वांटिटी नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे लिखोगे मोल्स ऑफ H3PO4 यूज्ड, क्योंकि सारे के सारे मोल यहाँ पे यूज में नहीं आए, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों? 2। हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो यूज्ड क्वांटिटी मिल जाएगी इससे। मैं इसको रब कर देता हूं, इनिशियल में 6 मोल दिया था, 6 मोल जो है कैल्शियम फास्फेट के यूज में नहीं आएंगे, यूज में आएंगे कुछ कुछ मोल, अगर हमें अट्रैक्टेड मोल मिल जाते हैं तो रिमेनिंग मोल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? पहले तो यूज्ड मोल कैलकुलेट करते हैं, 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4 यूज्ड डिवाइड बाय कितना होगा यार? 2, ये आपका हो गया 2, 2 को जा 4 मैं लिख सकता हूं, 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H3PO4 यूज्ड। ओके, तो यार क्या होगा जल्दी से बोलो फटाफट, रिमेनिंग मोल कितने? स्टार्टिंग में लिए थे 6 मोल, मिले यानी रिएक्शन में यूज में आए 4, लिए थे 6 यूज में आए 4, तो लेफ्ट मोल्स ये कितने होंगे? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी 2 मोल यहां पर रहेंगे इसके फास्फोरिक एसिड के। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहां पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपस में रिएक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या बच्चों? इन द रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl गिव्स टू NaCl प्लस H2O प्लस CO3, ये आपको गिवन है। इफ 636 ग्राम सोडियम कार्बोनेट अलाउड टू रिएक्ट विद 146 ग्राम HCl, फाइंड मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, यानी आपको मोल्स ऑफ CO2 कितना बनेगा वो निकालना, चाहो तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो अगर कंडीशन एनटीपी दी हुई है। तो मोल कैलकुलेट करने के बाद में कई सारे रास्ते खुल जाते हैं, आप उस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि सोडियम का GMM निकालते हैं, GMM ऑफ सोडियम, क्योंकि मोल से ही हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो Na2CO3 कितना हो बच्चों? सोडियम का मास नंबर है, या मैं कहूंगा ग्राम एटम मास है 23
टू सोडियम थे तो प्लस टू कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3 आपका होगा 106 ग्राम। मोल्स भी निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या होगा बच्चों, मोल्स मास, मास W डिवाइड बाय gmm, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है। W की वैल्यू कितनी है 636 डिवाइड बाय 106, जब सॉल्व करोगे 6 मोल आ जाएंगे। सिमिलरली अगर बात करें हम यहां पर देखिए मोल्स ऑफ यहां पर gmm ऑफ HCl, gmm ऑफ HCl कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। HCl 35.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम हो गया, तो मोल्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके। मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा, W डिवाइड बाय gmm, या W की जो वैल्यू है 46 है डिवाइड बाय 36.5, आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला कितना बच्चों, फॉर्मूला यहां पर मिला। यानी एक बार मोल निकाल लिया हमने तो इस रिएक्शन की हेल्प से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। यहां पर बच्चों रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी होगी, Na2CO3 plus 2HCl convert into 2NaCl plus CO2 आपका ये मिल जाएगा plus H2O plus H2O, यहां पर H2O मैं लिख देता हूं। ओके बच्चों यहां पर मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शंस रखते हैं, पहले सोडियम कार्बोनेट के लिए लिखेंगे फिर उसके बाद में हम लिखेंगे HCl के लिए, इसके 6 by 1 और यहां पर आपका हो जाएगा 4 by 2, ये तो वैल्यू आपके होगी 2, ये वैल्यू आपके होगी 6। ओके यार क्या करें, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, HCl, यस HCl लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि यहां पर मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब यहां पर ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन मुझे तो पूछा है क्या CO2 क्वांटिटी, तो CO2 की क्वांटिटी वापस से मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। रखिए बच्चों मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1, इसके मोल्स कितने हैं 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, तो यस मोल्स ऑफ CO2 आपका आ जाएगा बच्चों 2। इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Thank you.